हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर एसएसटी बुक्स 8th चैप्टर रिलीजियस वेव इन द मेडिएवल पीरियड. लेट्स सी रामानुजन एंड हिज फिलोसफी. रामानुजन और उसके सिद्धांत. रामानुजन वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी. रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में हुआ. ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स. अलवार संत कौन होते थे? ये होते थे जो भगवान विष्णु को मानते थे. तो देखिए, जो ये रामानुजन है, ये अलवार संतों से काफ़ी प्रभावित थे. ही वाज एन एडवोकेट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट देवता. तो देखिए, ये डॉक्ट्रिन्स होते हैं मत या सिद्धांत. एडवोकेट मीन्स वकालत करते थे या मानते थे. जो रामानुजन है, ये विशिष्ट देवता के मत की वकालत करते थे या उन्हें मानते थे. ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु. कि मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन भगवान विष्णु की भक्ति करना है या उन्हें समर्पित हो जाना है. अकॉर्डिंग टू रामानुजन टीचिंग, रामानुजन की शिक्षाओं के अनुसार, लॉर्ड नारायण इज द सुप्रीम बीइंग. कि इस भगवान विष्णु या नारायण जो हैं सबसे बड़े देवता हैं. वाश्वनाज एंड हिज फिलोसफी. वाश्वन और उसकी सिद्धांत. वाश्वना स्टार्टेड वीर शैव मूवमेंट इन कर्नाटक. जो वाश्वना है, इन्होंने वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ किया इन द मिड 12th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य में. ऑफ हिज कंपेनियंस लाइक अल्लाम प्रभु, और अपने साथी कल्याम प्रभु के साथ में. ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द इक्वलिटी ऑल ह्यूमन बीइंग्स. उन्होंने सभी मानव जाति की समानता की वकालत की या उनको स्ट्रांगली सपोर्टेड, उनको सहारा दिया. ही वॉज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ कास्ट. वे जाति के जो विचार थे अलग अलग, उनसे अगेंस्ट, उनके विरोध में थे. द इल ट्रीटमेंट टुवार्ड्स वुमेन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स. और जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था तथा विभिन्न रीति रिवाजों के भी खिलाफ थे. फिलोसफी ऑफ संत ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के संतों की फिलोसफी मीन्स सिद्धांत. जो महाराष्ट्र के संत थे, उनके क्या सिद्धांत थे? दे वर स्ट्रांग एंड आउट स्पोकन. स्ट्रांग मीन्स ताकतवर थे, आउट स्पोकन मीन्स स्पष्टवादी थे. एंड वर फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेज, और विभिन्न सामाजिक वर्गों से थे. दे फोकस्ड ऑन द विठल, ए फॉर्म ऑफ विष्णु. उन्होंने विठल, जो विष्णु का ही रूप होता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया. इन टेम्पल मंदिरों में, इन पंधरपुर हुम दे आइडेंटिफाइड विद लॉर्ड कृष्णा. जो कृष्णा के साथ में इसकी पहचान करते थे कि जो विठल हैं, ये भगवान विष्णु या कृष्ण के ही रूप हैं. दे एडवोकेटेड द गॉड रेजिडेंट्स इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल. और वे इस बात को मानते थे कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं. एंड टोट द वैल्यू ऑफ गॉड्स नेम. और उन्होंने भगवान के नाम की महिमा बताई. लव एंड ब्रदरहुड, प्यार और भाईचारा भी बताया. दे रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स. दे रिजेक्टेड, उन्होंने निरस्त कर दिया आइडिया, विचार ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स. सभी प्रकार के रीति रिवाजों के विचारों को निरस्त कर दिया. सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक अंतर बेस्ड ऑन बर्थ, जो उनके जन्म पर आधारित थे. रिन्यूंसिएशन, लिविंग देयर फैमिलीज. रिन्यूंसिएशन मीन्स जो उनका संन्यास है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर संन्यास के लिए. एंड प्रीफर टू लिव विद देयर फैमिलीज लाइक अदर पर्सन. और अन्य व्यक्तियों के बजाय उन्होंने अपने परिवार के साथ रहना. एंड सर्व ह्यूमन बीइंग, और मानव जाति की सेवा करने को प्राथमिकता दी. डेवलपमेंट ऑफ भक्ति इन नॉर्थ इंडिया. उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का विकास. फ्रॉम द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से द भक्ति संत स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू नॉर्थ, स्प्रेडिंग टू नॉर्थ इंडिया. की जो 13वीं शताब्दी है, वहाँ से भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उन्होंने उत्तरी भारत में फैलना शुरू हो गए. इट वॉज द टाइम वेन हिंदूज, इस्लाम, सूफीज एंड भक्ति संत इन्फ्लुएंस्ड इच अदर. यह वही समय था जिस समय हिंदूवाद या हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी और भक्ति संतों ने एक दूसरे को प्रभावित किया. ये एक दूसरे से प्रभावित हुए. सम ऑफ द भक्ति संत लाइक कबीर एंड गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस. कुछ भक्ति संत जैसे कबीर और गुरु नानक ने सभी पारंपरिक धर्मों या रूढ़िवादी धर्मों का विरोध किया. अदर्स लाइक शूद्र सेंट तुलसीदास एक्सेप्टेड द एंशियंट रिलीजियस. जबकि दूसरे जो संत हैं, जिनमें तुलसीदास भी है, शूरदास भी हैं और तुलसीदास, इन्होंने प्राचीन धर्मों में विश्वास करते थे. बट वांटेड टू मेक इट एक्सेंसेबल टू ऑल, लेकिन ये सभी के लिए इसे अच्छा मानते थे. द पीपुल लाइक द पीजेंट्स, और ऐसे लोग जैसे कि किसान, आर्टिसंस, मजदूर,
क्राफ्ट्समैन कलाकार एंड वर्कर्स कार्यकर्ता वर अट्रैक्टेड टू द न्यू संत्स, ये सभी नए संतों की ओर आकर्षित हुए एंड फ्लॉक्ड टू हियर देम, और उनकी जो बातें हैं उनके मत हैं उनको सुनने के लिए वे जमा हो गए। फ्लॉक्ड में झुंड में या भीड़ में जमा हो जाना। द मेन वर्क ऑफ तुलसीदास वाच रामचरितमानस, तो ये इम्पोर्टेंट है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, रचनाकार कौन था रामचरितमानस का, तो ये था आपके तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। इट वॉज रिटन इन अवधी लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखना, ये जो रामचरितमानस है कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। सूरदास एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर कृष्णा इन हिज कंपोजिशन, सूरदास ने भी भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्यार को अपनी रचना में प्रकट किया है। देखिए सूरसागर के, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सूरदास जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, सूर सारावली और सूरसागर और साहित्य लाहिरी। ओके, नेक्स्ट है ये दादू दयाल है, ये जो बैठे हुए ये रविदास है, ये मीराबाई और ये चैतन्य देव है। रविदास, मीराबाई, दादू दयाल एंड चैतन्य देव वर अदर भक्ति संत, ये सभी दूसरे भक्ति संत थे। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द भक्ति संत वाज देयर स्ट्रीम लव एंड डिवोशन टू गॉड, और इनका जो अंतर करने वाली जो बात थी इनमें वो यही थी कि सभी भक्ति संत क्या था, इनका अत्यधिक प्रेम था और अपने भगवान के प्रति इनका समर्पण था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक भक्ति संत से ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।